फिर जब आई तो मुझे स्टेशन था कि इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या करूँगी इलेक्ट्रॉनिक्स में, फिर मुझे डर मतलब डर सा लगा। फिर मैं हमारे सर ने समझाया तो कुछ लोग कहते हैं कि लड़कों के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स होता है, लड़कियाँ नहीं करती हैं। फिर जब हम काम में इंटरेस्ट आने लगा, प्रैक्टिकल करने लगे, तो हमने बहुत अच्छे से प्रैक्टिकल किया, बहुत कुछ बनाया भी हमने, डोर सेंसर बनाया, फैन रेगुलेटर बनाया, खुद डिज़ाइन करके सर्किट भी बनाया, बहुत अच्छा। उसके बाद हमें लगा कि हाँ, इसमें आगे हम कर सकते हैं, एक मैकेनिकल इंजीनियर भी बन सकते हैं हम। दो सिस्टर्स हैं, तो दोनों सिस्टर्स की शादी हो गई है, ट्वेल्थ करने के बाद ही शादी हो जाती है। और मुझे शादी वादी में कोई इंटरेस्ट नहीं था, मुझे मैंने बोला मैं बाहर जाना चाहूँ, उड़ना चाहती हूँ, मैं खुद पढ़ना चाहती हूँ, कुछ बनना चाहती हूँ। मेरी बातों को तो मेरी मम्मा जो है बहुत मानती है, मैं सबसे छोटी हूँ तो ज़्यादा प्यार भी करती हैं, बट उन्हीं की वजह से मैं दिल्ली में हूँ, और मैं अपनी जो भी करना चाहती हूँ अपनी मम्मा के लिए करना चाहती हूँ। बाकी लड़के को ये संदेश देना चाहती हूँ कि शादी ब्याह तो सब करते हैं, बट खुद का कैरियर बनाना, उसके बाद अपने आप को रिस्पेक्ट देना कि हाँ मैं ये कर सकती हूँ, उसके बाद हम अगर मतलब उस लायक हो जाए तब शादी करें। शादी के बाद औरतों की घर में जो काम करते हैं, झाड़ू पोछा, एक दो बच्चे क्या, दो छः छः बच्चे, आठ आठ बच्चे संभालते हैं घर में, संभालो बच्चे को संभालो, फिर भी उनकी कोई वैल्यू नहीं होती। बाहर से हस्बैंड आते हैं कमा के, चिड़चिड़े, उनको मारते पीटते सब कुछ करते हैं, और फिर भी कहते हैं तू कुछ काम ही नहीं करते। उनके पास स्किल्स होते हुए भी वो मतलब अपने आप को एक छोटा सा मानती है कि वो हमें कमा के खिला रहा है, तो उनकी सारी बातों को हमें मानना है, वो जैसे बोले वैसे हमें करना है, लेकिन ये राइट नहीं है। हर इंसान की अपना सेल्फ रिस्पेक्ट होता है, वो अपने स्किल को डेवलप करके आगे बढ़ सकती हैं, और वो भी खुद के डिसीजन ले सकती हैं।